हाँ बोल गया, जिसने मोहनी सूरत का सहारा लेकर मेरी दुनिया लूटी है, जिसने मुझ पर तीर बरसाने के लिए को जलाकर राख कर देने के लिए गुलाबी होटल से पिक्कियां गिराई हैं, उस दाग को खत्म करने से पहले इस दागते हुए शोले को जिसने मेरे सीने में आग लगा दी है, मैं सबके लिए बुझा दूंगा। ये तुम्हारा आखिरी और सबसे बड़ा एहसान होगा। जिन हाथों ने मुझे दोबारा जिंदगी दी थी, आज वही हाथ इस दुख भरी जिंदगी को खत्म भी कर दें। शायद मेरे खून से मेरा मासूम गुना धुल जाए। काश मेरा राजन भी सुन लेता कि मरते वक्त भी नीना की जबान पर राजन का नाम था। वो भी कदा क्या जाने इस दीपक की चोट, चलने के डर से भाग गया। ये बाकी चीज है, मैं इनसे डरकर भागने वाला नहीं, पतंगा तो हंस हंसकर जल जाना जानता है। तुम मेरी हो, छोड़ दो मुझे, तो मुझसे कोई नहीं रख सकता। तुमने अपनी शराफत भी खो दी है, तुम इंसान नहीं रहे। वो दिल जिसे कभी तुम्हारी दोस्ती पर नाज था, आज तुमसे नफरत करने लगा है। तुम जानते हो मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरी इज्जत राजन की इज्जत है, और मैं उसकी हिफाजत मरते दम तक करूंगी, चाहे मुझे अपने एहसान करने वाले पर गोली क्यों न चला देनी पड़े। चला दो अगर मेरा सब अपना देख सकती तो। तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है, तुम्हारा दिल क्यों धड़क रहा है, इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं राजन की सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। ये अपने दिल से पूछो। मेरे दिल में राजन की सिवा कोई नहीं। तुम झूठ बोलती हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम मुझसे मोहब्बत।